केहू नइखे ना भाई ना बाप, केहू नइखे, हम अकेले बानी। अब एगो सहारा रहला सो ओकरा के भी छीन लाल गई। हां एगो सहारा ओकरा के छीन गेल लगे। तीर छाप वाली गाड़ी थी वो आएंगे लोग, उन्हीं का गाड़ी थी, तीर छाप उन्हीं का नु है। जैसे प्रचार के गाड़ी जेडीयू के प्रचार के गाड़ी आई रहला, जेडीयू के गाड़ी रहला, जेडीयू के प्रचार तीर्थर का गाड़ी आई रहला। ई बच्ची थोड़ा गलत से गाड़ी के पास पर्ची खाती, ड्राइवर के अपन गलती से लापरवाही से वो बच्ची के देख के उनका चालक में गड़बड़ भइल, बच्ची के उनका से चोट लागल बा। SN लाइव सच सबसे आगे। सिवान के रघुनाथपुर में बड़ा हादसा, जेडीयू के लोकसभा प्रत्याशी विजय लक्ष्मी के प्रचार गाड़ी ने लिया एक बच्ची की जान, परिजनों में मचा कोहरा। गाड़ी चालक गाड़ी छोड़कर मौके से हुआ फरार, बच्ची को अंदर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र ले जाने के क्रम में बच्ची ने तोड़ा दम, इलाके में मची अफरा तफरी। 5 घंटे बीत जाने के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचे कोई प्रत्याशी। स्कूल के मैडम जी लोग खींच के दर नहीं आता, पढ़ के आई रोल से स्कूल में। स्कूल के मैडम जी बेचने पानी पढ़ के आई लिए स्कूल, बाप माई के केहू नहीं खे, ना भाई ना बाप, केहू नहीं खे, हम अकेले बानी। अब एगो सहारा रहला सो ओकरा के भी छीन लाल गई। हां एगो सहारा ल ओकरा के छीन गेल लगे। अब तो जान हो गइल बा लेकिन अब का कुछ मांग रही रहो। हमार बदला चाहिए, जगह में बच्चे के मुआ के गल पकड़, हमार बदला चाहिए, हमार सब हमारे के आगे पीछे में के कहेंगे क्या करें। सिवान के रघुनाथपुर में बड़ा हादसा, जेडीयू प्रत्याशी विजय लक्ष्मी के प्रचार गाड़ी ने लिया एक बच्ची की जान। वहीं आपको बता दें कि मौके से गाड़ी छोड़कर चालक हो गया फरार, घटना को 5 घंटे बीत जाने के बाद भी मौके पर नहीं पहुंची जेडीयू लोकसभा प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा। आपको बता दें कि जिले के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर के समीप जदयू के लोकसभा प्रत्याशी विजयदशमी कुशवाहा के प्रचार गाड़ी ने 11:40 पर आपको बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि मृत्यु बच्ची का नाम बबलू सिंह के 8 वर्षीय पुत्री काजल सिंह के रूप में हुई है। बताया जाता है कि काजल कुमारी 11:40 में स्कूल से पढ़ाई करके घर लौट रही थी, तभी सामने सिवान लोकसभा प्रत्याशी विजय लक्ष्मी के प्रचार गाड़ी को देखकर काजल सिंह ने गाड़ी के आगे दौड़ लगाया, जिसके बाद से गाड़ी चालक ने सामने से धक्का मारकर काजल सिंह का जान ले लिया। जो रोड प्रदर्शन करने के लिए गोपीपति पंचायत के प्रतिनिधि वर्तमान मुखिया हम है, तो 11 बजे की अकाल मृत्यु चुनाव चिन्ह वाले चुनाव वाली प्रचार से उसका स्पॉट मौत हुआ है। 5 घंटा से इंतजार कर रहे हैं, अभी तक यहाँ कोई पूछने तक नहीं आया, तो हम लोग तो रोड को तो जाम करेंगे वहाँ जाकर कि भाई उसको तो उचित कोई भी किया जाएगा, कुछ भी किया जाएगा नो। मैं आपको बता दें कि इस घटना को 5 घंटे बीत जाने के बाद भी जदयू की लोकसभा प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा काजल सिंह को देखने के लिए नहीं पहुंचे, इसके बाद से स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं परिजनों ने बताया कि तीर छाप की गाड़ी में मेरी बच्ची का जान लिया है। वहीं आपको बता दें कि मौके पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया, जिसके बाद से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। जाम करने से क्या रास्ता आएंगे, जिसके गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, अकाल मृत्यु हुआ है, तीर छाप वाली गाड़ी थी वो आएंगे लोग, उन्हीं का गाड़ी थी, तीर छाप उन्हीं का नु है। जब वो आएंगे तो सिस्टम को सुधारा जाएगा, अभी तक नहीं है। 5 घंटा लगता है, 6 घंटा हो गया। आइए देखिए ये एम्बुलेंस में बॉडी पड़ा हुआ है। घटना के बाद काजल सिंह की मां का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं परिजनों को रोता देखकर आसपास की लोगों की भी आंखें नम हो गया। इसी के साथ आपको बता दें कि काजल सिंह की मां का रोते रोते आंखों का पानी भी सूख गया है। जैसे प्रचार के गाड़ी जेडीयू के प्रचार के गाड़ी आई रहा, जेडीयू के गाड़ी रहा, जेडीयू के प्रचार तीर्थर का गाड़ी आई रहा। ये बच्ची थोड़ा गलत से गाड़ी के पास पर्ची खाती, ड्राइवर के अपन गलती से लापरवाही से वो बच्ची के देख के उनका चालक में गड़बड़ भइल, बच्ची के उनका से चोट लागल बा। और बच्ची के ओ टाइम में मौका पर मौत ना भइल, लेकिन रास्ता में लियात में मौत हो गई बा। और वो गाड़ी फरार बा, और जेडीयू के कोनो नेता ना आइल हो अभी तक, ना जेडीयू से चाहे सिवान के कोनो भी पार्टी के केहू नहीं आयल। काजल सिंह की मां ने कहा है कि तीर छाप गाड़ी ने मेरी बेटी का जान ले लिया है। आपकी इस खबर को लेकर क्या है राय, हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। खास करके इस तरीके की घटनाओं को लेकर क्या कुछ कहेंगे, कमेंट करना ना भूले। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए SN लाइव न्यूज। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर।